बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि तमाम तर ऐसे बंदे सऊदी अरेबिया, क्या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कहीं भी आप मुकीम है यार, हमारे पास यूजेबल मोबाइल होते हैं, हम कभी ना कभी उनको सेल करते हैं, यानी कि सेकंड हैंड मोबाइल को हम सेल कर देते हैं मार्केट वगैरह में या कहीं भी किसी और बंदे को। उसमें से हम आपको पता ही उसे अनइंस्टॉल यानी कि रीस्टोर कर देते हैं अपनी तमाम तर पिक्चर, वीडियोज वगैरह, आप कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए, अपना पर्सनल डाटा वगैरह तमाम तर डिलीट कर देते हैं और अपना मोबाइल सेल कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है बहुत सी सेलिब्रिटीज वगैरह की पिक्चर और वीडियो भाई लीक हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके मतलब कुछ भाई टिप्स, यानी कि एक ही टिप्स है जी और काफी कारामद है। सऊदी तकनीक की माहर अल फैसल अल सेफ की तरफ से ये एक भाई टीवी इंटरव्यू के दरमियान में बताया गया था। तो मैंने वो भाई जब सुना है तो मैंने वहां से वो क्लिप भी निकाला है, वो भी आप भाइयों को यहां पर चलाकर दिखाऊंगा। और ये एक बहुत ही अच्छी मेरे हिसाब से खबर है, बहुत ही अच्छी भाई न्यूज है मोबाइल यूजर के लिए और खासकर आईफोन यूजर के लिए। उस बंदे के बकौल ये कहा जा रहा है कि एक आईफोन में सॉफ्टवेयर है आई क्लाउड, उसके थ्रू अगर आपके पास आईफोन 6 है, आप आईफोन 12 भी लेते हैं, तो आईफोन 6 से आईफोन 12 में आप अपनी तमाम तरह पिक्चर वीडियोस ट्रांसफर कर देते हैं, मोबाइल को रिस्टोर मार देते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल आप सेल करते हैं, तो आपकी पिक्चर आपकी वीडियोस बगाई भाई वो आप यही बोल रहे हैं कि दोबारा से डाउनलोड की जा सकती हैं और लीक हो सकती हैं, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है आपकी पिक्चर या वीडियो के ऊपर कोई भी किसी किस्म की, अगर आपका पर्सनल डाटा उसमें पड़ा हुआ है। उसके ऊपर एक उस बंदे का ये कहना था कि ये तो हो गई आईफोन के मतलब जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा सैमसंग, हुआवे या और मोबाइल हैं बंदों के पास, तो उसमें से क्या हो सकता है, हम क्या करें कि अपनी पिक्चर वगैरह हम जब निकाल भी लेते हैं, मोबाइल को रीस्टोर भी कर देते हैं, उसके बाद भी हमारे मोबाइल में से कोई बंदा ढूंढ ना सके। तो उसके लिए एक ही चीज़ है जी जो कि मेरे हिसाब से मेरे माइंड में भी ये बात मुझे अच्छी लगी है, वो क्या है, वो बंदा ये बोल रहा है यानी कि फैसल अल सेफ कि आप अब जब अपनी पिक्चर वीडियो वगैरह किसी भी और दूसरी जगह सेव कर लें या मोबाइल को रीस्टोर मार दें, उसके बाद मोबाइल का कैमरा चलाएं, आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी है, 32 GB है, 64 GB है, 128 GB है, आप अपना कैमरा चला दें, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, किसी भी ऐसे मोबाइल रखने की जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जब आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी तो वीडियो भाई आपके मोबाइल में सेफ हो जाएगी, मेमोरी फुल बता देगा वो। उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दें, चाहे रहने दें चाहे डिलीट कर दें, आप अपना मोबाइल सेल कर दें। जो भी बंदा आपका मोबाइल खरीदेगा वो जब भी कभी आपके भाई मोबाइल में से, आपको पता है जो हैकर होते हैं वो ऐसे पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह निकालते हैं, वो जब हैकिंग करेगा भी तो उसको वही वीडियो मिलेगी जो आपने बनाई है, दोबारा से डिलीट की है, जो उससे पहले की आपकी पिक्चर वीडियो होगी वो उसके हाथ नहीं आएगी। एक अच्छा टिप्स था जी मेरे हिसाब से भी और फैसल अल सेफ के हिसाब से भी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप अपना जब भी भाई मोबाइल रीयूज सेकंड हैंड मोबाइल सेल करें तो इसके ऊपर जरूर अमल कीजिएगा। हर बंदे के मोबाइल में उसकी फैमिलीज वगैरह की हर तरह की इंपोर्टेड पर्सनल पिक्चर वीडियो होती हैं, तो इन तमाम तर हैकर से बचें, ये नुस्खा आजमाएं, मेरे हिसाब से काफी कारामद है।